आज हम लोग करेंगे एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तीन स्विचेस तो स्विचेस को आपस में जोड़ देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लूप बन रहा है, दिस इज कॉल्ड द लूप। जब बनता है तो यहाँ पे एसटीपी प्रोटोकॉल बेसिकली करता क्या है, लूप अवॉइडेंस करता है, यानी कि जो लूप बन रहा है, जो रिडंडेंट लिंक्स बन रहे हैं उनमें से एक लिंक जो है वो स्टैंड बाय चला जाएगा। तो इनमें से आप देख रहे हो कि ये वाला जो लिंक है ये स्टैंड बाय चला गया, ये जो लिंक है ये स्टैंड बाय हो गया। स्टैंड बाय लिंक जो काम करता है वो लूप को अवॉइड करता है, लूप अवॉइडिंग बाय चेंजिंग पोर्ट स्टेट टू ब्लॉकिंग। हेलो, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो लिंक है ये ब्लॉकिंग मोड में चला गया। तो एसटीपी की हम स्टेट्स देखते हैं कि एसटीपी जो पोर्ट की जो स्टेट्स होती है पहली स्टेट है ब्लॉकिंग स्टेट, इसके बाद आता है लिसनिंग स्टेट। लिसनिंग के बाद आता है लर्निंग स्टेट, लर्निंग के बाद आता है फॉरवर्डिंग स्टेट। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट है हमारी, ब्लॉकिंग स्टेट, लिसनिंग स्टेट, लर्निंग स्टेट, फॉरवर्डिंग स्टेट। अब देखो ये स्टेट कैसे काम कर रही है। जब कोई भी स्विचेस यहाँ पे किसी भी पोर्ट को यूज करता है तो जो पहली स्टेट मानी जाती है वो मानी जाती है ब्लॉकिंग स्टेट। ब्लॉकिंग स्टेट में देखो होता क्या है कि बेसिकली यहाँ पे एक टर्म आती है बीपीडीयू। बीपीडीयू इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैकेट्स, इट्स कॉल्ड हेलो मैसेजेस। दीज मैसेजेस आर सेंडिंग फ्रॉम वन स्विच टू अनदर स्विच, एक स्विच से दूसरे स्विच में जो मैसेजेस पास हो रहे हैं उनको हम कहते हैं बीपीडीयू मैसेजेस। अब ये बीपीडीयू मैसेजेस कौन फॉरवर्ड करता है, एवरी स्विच सेंड्स द बीपीडीयू मैसेजेस, एवरी स्विच सेंड्स द बीपीडीयू। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो ना, छोटा है मैसेजेस। बट इसमें जो बीपीडीयू मैसेजेस हैं वो एक स्विच से दूसरे स्विच को कनेक्ट करने और उसकी जो टोपोलॉजी है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उनको दिखाते। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनता है, इट इज क्रिएटिंग ए मिनिमम
spanning tree for loop avoidance. अभी मिनिमम स्पैनिंग ट्री कब बनेगा, जब डिफरेंट स्विचेस जो होंगे उनमें से एक मेन स्विच बनेगा, ठीक है, उस स्विच को कहेंगे रूट ब्रिज स्विच. रूट ब्रिज स्विच इज अ मास्टर स्विच, इट इज अ मास्टर स्विच दैट डिसाइड्स द टॉपोलॉजी चेंजेस. ये मास्टर स्विच ही डिसाइड करेगा कि किस टॉपोलॉजी में क्या चेंजेस आएंगे, कौन सा पोर्ट ब्लॉकिंग मोड में जाएगा, कौन सा फॉरवर्डिंग मोड में जाएगा. ये डिसाइड कौन करेगा, रूट ब्रिज डिसाइड करेगा, ठीक है. अब इनमें से देखो जो रूट ब्रिज बनेगा, ठीक है, वो कौन सा होगा. अब यहाँ पे आप देखो कि मैंने यहाँ पे तीन स्विचेस इस तरह से कनेक्ट किए हुए हैं. अब मैं यहाँ पे डिसाइड कर सकता हूँ कि भाई कौन सा जो है स्विच रूट ब्रिज बनेगा. तो इनमें से देखो, हम सबसे पहले देखते हैं ये वाले स्विच को, तो इसके सीएलआई मोड में जाएंगे और यहाँ पे कमांड चलाएंगे शो स्पैनिंग ट्री. जैसे हम देखते हैं शो स्पैनिंग ट्री कमांड, तो यहाँ पे देखो ये इसकी ब्रिज आईडी दिखाता है. Every switch has a bridge ID. और जिसकी ब्रिज आई डी सबसे मिनिमम होगी वही रूट बन जाएगा, ठीक है. अब सबसे मिनिमम ब्रिज आई डी किस स्विच की है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे इसकी जो ब्रिज आई डी है ये है 32769 है, इट्स नॉट द मिनिमम ब्रिज आई डी. अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं इस स्विचेस में. तो यहाँ पे हम कमांड चलाएंगे सो स्पैनिंग ट्री. तो देखो यहाँ पे इसकी जो ब्रिज आईडी है वो मिनिमम है और ये रूट ब्रिज इलेक्ट हो गया. दिस ब्रिज इज द रूट. यहाँ पे ये जो स्विच है ये रूट स्विच बना हुआ, यानी कि रूट ब्रिज बना हुआ, यही डिसाइड करेगा कि कौन सा पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेट में जाएगा और कौन सा पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में जाएगा. क्योंकि जो रूट ब्रिज होता है उसके सारे पोर्ट फॉरवर्डिंग मोड में होते हैं हमेशा. तो आप देख सकते हो जो पोर्ट की स्टेट है वो फॉरवर्डिंग है, ये देखो इट इज द फॉरवर्डिंग मोड एंड फॉरवर्डिंग मोड. जो फॉरवर्डिंग मोड में पोर्ट होता है उसे कहते हैं डेजिग्नेटेड, ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है, और फॉरवर्डिंग मोड में तो डेजिग्नेटेड पोर्ट कभी भी ब्लॉक नहीं होता, वो ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड करता है. और जो नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट होता है वो ट्रैफिक को ब्लॉक कर देता है, यानी कि ब्लॉकिंग स्टेट में पोर्ट को डाल देता है. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखो ये वाला तो रूट बन गया है, ये वाला स्विच जो है वो रूट बन गया है. दिस इज माई रूट. और अब हम यहाँ पे देखते हैं ये वाला जो स्विच है ये नॉन रूट स्विच है. तो यहाँ पे इसमें जाके चेक करते हैं शो स्पैनिंग ट्री. तो यहाँ पे आप देख सकते हो पढ़ा क्या रहे वैसे सर को पढ़ा आ रहा भी सब कुछ. हेलो हेलो तो यहाँ पे तीन स्विचेस जो हमने ले रखे हैं इनमें से एक स्विच रूट बन गया, एक स्विच क्या बन गया, रूट इलेक्ट हो गया. अब ये रूट स्विच जो है वही डिसाइड करेगा कि लूप कैसे अवॉइड होगा, यानी कि जो पोर्ट की स्टेट्स हैं वो चेंज होंगी विद द यूज ऑफ रूट. तो रूट यहाँ से क्या करेगा, बीपीडीयू मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट करेगा. ही इज सेंडिंग द Hello messages. He is starting forwarding the hello messages to the switches. और switches क्या करेंगे? इस BPDU के हिसाब से port की state को change करेंगे. यहाँ पे BPDU message जब forward होगा, तो ये बोलेगा कि भी ये जो आगे link जा रहा है, ये वापस से क्या कर रहा है?
ब्लॉक कर रहा है, ये देखो ये रास्ते को ब्लॉक कर दे रहा है, ये आगे आगे फॉरवर्ड कर रहा है ये, पर यहाँ पे लूप बन जा रहा है, तो इस रास्ते को यहाँ ब्लॉक करना है इस पोर्ट पे, तो ये स्टैंड बाय लिंक बना देगा, इस लिंक को स्टैंड बाय कर देगा। कैसे? ब्लॉकिंग स्टेट बना के, यानी कि इस पोर्ट की स्टेट क्या है, ब्लॉकिंग मोड में डाल देगा। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि इस पोर्ट की स्टेट क्या है, तो आप देख सकते हो F0/2 की जो स्टेट है वो ब्लॉकिंग स्टेट है, ये देखो स्टेट क्या है, ब्लॉकिंग, पोर्ट की स्टेट ब्लॉकिंग है, इसका मतलब क्या है, लूप नहीं बनने दे रहा है ये, यहाँ ब्लॉक कर दिया, तो यहाँ पे यहाँ से फॉरवर्ड नहीं होगा पैकेट, तो ये लिंक जो है वो स्टैंड बाय हो जाएगा, जिससे कि लूप नहीं बनेगा। समझ आ गया? अब देखो होता क्या है, जो रूट बन रहा है, जो स्विच रूट बन रहा है, उसके जितने भी पोर्ट होते हैं ये हमेशा फॉरवर्डिंग स्टेट में होते हैं, ये सारे पोर्ट जो होते हैं फॉरवर्डिंग स्टेट में होते हैं। अब इस रूट स्विच के सामने वाला जो पोर्ट होता है वो रूट पोर्ट होता है, रूट पोर्ट, ये देखो इसके सामने वाला पोर्ट देखेंगे, अब हम इसको चेक करेंगे ये पोर्ट कौन सा है, F0/1, तो आप जानोगे कि ये पोर्ट जो है वो रूट पोर्ट है, दिस इज अ रूट पोर्ट एंड इट इज फॉरवर्डिंग मोड स्टेट्स, रूट तो यहां से जा रहा है, तो रूट के सामने वाला पोर्ट जो है वो रूट पोर्ट कहलाएगा ये वाला, और ये वाला जो पोर्ट है देखो रेड हो गया, ये दैट इज द ब्लॉकिंग स्टेट, ब्लॉकिंग स्टेट, इससे क्या है ये लिंक स्टेट बाय, ये स्टैंड बाय लिंक बन गया, और ये पोर्ट क्या है ब्लॉकिंग मोड में चला गया, ठीक है। अब अगर इमरजेंसी आ जाती है और ये वाला लिंक डाउन हो जाता है, ऊपर वाला देख रहे हो लिंक, अगर ये लिंक डाउन हो जाता है तो ये वाला लिंक ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा, इट इज चेंजिंग इट्स स्टेट फ्रॉम स्टैंड बाय टू फॉरवर्डिंग स्टेट, इसकी स्टेट बदल जाएगी, देखो दिखाता हूं आपको कैसे बदलेगी इसकी स्टेट। मैं यहां से इस लिंक को काट देता हूं, कटिंग कट कर दिया, अब आप इसकी स्टेट चेक करोगे तो पहले ये ब्लॉकिंग से लिसनिंग में जाएगा, लिसनिंग से लर्निंग में, फिर फॉरवर्डिंग में, देखो इसकी स्टेट को चेक करते हैं, देखो सो स्पैनिंग ट्री, तो आप देख सकते हो अभी ब्लॉकिंग ही दिखा रहा है, ब्लॉकिंग से आया लिसनिंग में, पोर्ट की स्टेट चेंज हुई, लिसनिंग मोड में आ गया, अब इसके 15 सेकंड बाद ये लर्निंग करेगा, लिसनिंग से करेगा लर्न, देखो लर्निंग मोड में आया, और लर्निंग मोड से फिर ये फॉरवर्डिंग मोड में चला जाएगा 15 सेकंड बाद, चला गया, ये देखो चला गया फॉरवर्डिंग में चला गया, समझ रहे, यानी कि पोर्ट की स्टेट चेंज हो रही है, ये देखो ये फॉरवर्डिंग में चला गया, क्योंकि इसने देखा ये वाला लिंक टूट गया है, जब ये वाला लिंक टूट गया है तो ये वाले लिंक को क्या कर देगा, स्टैंड बाय से हटा देगा और फॉरवर्डिंग मोड में डाल देगा, समझ रहे हो मेरी बात को। अब अगर मैं वापस से इस लिंक को रिस्टोर कर दूं तो फिर से ये वाला लिंक क्या हो जाएगा, स्टैंड बाय हो जाएगा, ये देखो फिर से मैंने क्या कर दिया, एक लगा दिया यहाँ पर, अब देखो स्पोर्ट की स्टेट फिर से चेंज होगी, फिर से इसमें डिसाइड होगा कि रूट कौन बनेगा, ठीक है, तो इनमें से एक रूट बन जाएगा, ठीक है, और जो नॉन रूट ब्रिजेस हैं उनमें से एक ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा, सो स्पैनिंग ट्री करेंगे, ये देखो फिर से वापस से तो इसका मतलब क्या, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये समझ आ गया स्टेट इसकी कैसे चेंज होती है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में 15 सेकंड का टाइम लगता है, 15 सेकंड का, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया 15 सेकंड, फिर अगले स्टेट में गया फिर 15 सेकंड,
और फिर अगले स्टेप में गया, फिर 15 सेकंड, टोटल कितने सेकंड लग गए? फॉरवर्डिंग 45 सेकंड, 45 सेकंड लग गए ना जी सर। फॉरवर्डिंग के बाद स्टेबल भी तो होता है, पोर्ट को पूरा फॉरवर्डिंग में जाने में टोटल टाइम लगता है 45 सेकंड। 45 सेकंड ठीक है ना। और ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है बीपीडीयू मैसेज जो यहाँ से जा रहा है, वो डिसाइड करता है कि कौन से लिंक को स्टैंड बाय करना है और कौन से लिंक को स्टैंड बाय नहीं करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा था रूट इलेक्शन होता कैसे, रूट ब्रिज बनता हाँ। कैसे सर, अगर जैसे कि ये स्विच टू क्या कहते हैं ब्लॉकिंग स्टेट में अगर इसी लिंक को हम कट कर दें, हाँ चैट पे पूछो, तुम्हारी आवाज कट रही है, आवाज ब्रेक हो रही है, चैट पे पूछो। रूट इस पे पूछो, चैट पे पूछो क्वेश्चन। केबल आ रहा है मेरा कनेक्शन सर। सर लर्निंग फॉरवर्डिंग के बारे में केबल इस पर लिखवाया था आपने कल। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा रूट इलेक्शन प्रोसेस कैसे काम करता है। देखो एवरी स्विच हैज ए ब्रिज आईडी, हर स्विच के पास अपनी अपनी ब्रिज आईडी है, और जो ब्रिज आईडी है वो बनती कैसे है? ब्रिज आईडी दो चीजों से मिलकर बनती है, ब्रिज प्रायोरिटी एंड मैक एड्रेस। देखो हर स्विच की एक प्रायोरिटी नंबर होती है और हर स्विच की एक मैक एड्रेस होती है, तो प्रायोरिटी नंबर और मैक एड्रेस दोनों कंबाइन होके एक ब्रिज आईडी बन जाती है। जिसकी ब्रिज आईडी मिनिमम होगी वो रूट बन जाएगा, वो रूट स्विच बन जाएगा। तो नॉर्मली क्या होती है, जो ब्रिज प्रायोरिटी होती है वो 32768 होती है, 32768 ठीक है, और इसमें VLAN 1 ऐड हो जाती है, VLAN नंबर 1 का एक एड्रेस है, VLAN 1 ऑटोमेटिक ऐड होती है, तो ये इसकी डिफॉल्ट आईडी बन जाएगी 32769, ये ब्रिज आईडी बन गई, प्लस इसका मैक एड्रेस इसके साथ ऐड हो जाता है। ठीक है, तो जिसकी मिनिमम ब्रिज आईडी होगी वो रूट इलेक्ट हो जाएगा, मिनिमम ब्रिज आईडी इज इलेक्टेड एज ए रूट ब्रिज। ठीक है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे चेक करूंगा, सो स्पैनिंग ट्री, तो देखो इसकी ब्रिज आईडी 32769 देखो बन गई, और ये क्या है रूट है, ठीक है, ये इसका मैक एड्रेस है, इसका मैक एड्रेस सबसे मिनिमम है, ठीक है, तो उसी हिसाब से इसने इसको क्या बना दिया, रूट बना दिया। अब देखो ये रूट है, लेकिन मैं यहाँ पे मैनुअली भी बना सकता हूँ किसी और रूट। मैनुअली कैसे बना सकते हैं, ये देखो ये स्विच है, इसको मैनुअली हम बना रहे हैं रूट ब्रिज, अभी ब्लॉकिंग में, तो जैसे बनाएंगे सारे पोर्ट फॉरवर्डिंग में डाल देगा अपने। देखो इसके लिए कॉन्फिग ट्री, यहाँ पे स्पैनिंग ट्री, VLAN 1
प्रायोरिटी, देखो प्रायोरिटी जो होती है वो 4096 के इंक्रीमेंट में होनी चाहिए। तो 4091, हाँ 4096 के इंक्रीमेंट में होती है, तो मैं इसकी जो प्रायोरिटी कर रहा हूँ 4096 कर देता हूँ। तो 32768 से छोटी है ये, ठीक है। ये देखो, तो ये वाला जो स्विच है ये ब्रिज बन जाएगा, रूट ब्रिज बन जाएगा। देखो अभी देखो इसकी मैंने क्या कर दी, 4096 कर दी प्रायोरिटी। अब देखना आप इसको, देखो सो स्पैनिंग ट्री क्या बन गया, ये देख रहे हो 4097 प्रायोरिटी हो गई है इसकी, तो मिनिमम प्रायोरिटी है ये बाकी से, तो ये क्या बन गया, रूट बन गया। देखो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब वॉकिंग कोड को इसने पहले लिसनिंग में डाला, अब लर्निंग में डाल रहा है, अब फॉरवर्डिंग में डाल देगा। ये देखो फॉरवर्डिंग में डाल दिया और ये क्या बन गया, रूट ब्रिज बन गया। अब देखो मैनुअली बनाने के लिए, ये मैनुअली बनाने के कमांड है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो स्विच है, इसके बाद मिनिमम कौन है, ये है, और सबसे हाईएस्ट इसकी है, तो ये हमेशा ब्लॉकिंग में जाएगा। देखो अब ये ब्लॉकिंग में डाल दिया इसको, क्योंकि और कोई स्विच था नहीं यहाँ पे जिसकी प्रायोरिटी जो है कम है। ये देखो शो स्पैनिंग ट्री, ये देखो इसने इसको ब्लॉकिंग में डाल दिया, ठीक है। हर स्विच को पता होता है कि मेरा रूट ब्रिज कौन है, ठीक है, हर स्विच को पता होता है। अब इसको भी पता है कि मेरा रूट ब्रिज कौन है। ये देखो कैसे पता लगेगा, यहाँ पे आप शो स्पैनिंग ट्री चलाओगे, ये देखो जो रूट स्विच है उसकी यहाँ पे आईडी लेके चलता है। ये देखो रूट स्विच की आईडी क्या है, 4097, और इसकी कितनी है, ये तो ये इसका रूट हो गया, ठीक है। बात समझ आई कैसे इलेक्शन होता है इनमें। अब देखो दूसरा तरीका है, देखो अब इसको अगर मुझे बनाना है इस वाले को, तो एक और तरीका है, स्पैनिंग ट्री व्हील एंड वन रूट प्राइमरी, इस कमांड से भी आप क्या है रूट बना सकते हो, ठीक है। इसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि पहला रूट कौन सा बने और दूसरा रूट कौन सा बने, तो इसमें दो रूट आप बना सकते हो इस कमांड से। तो प्राइमरी मैंने इसको बना दिया, सेकेंडरी ये बन जाएगा। देखो अभी आप इसकी स्टेट चेंज होते हुए देखोगे, सो स्पैनिंग ट्री, तो देखो आप देख सकते हो दिस ब्रिज इज द रूट। मैंने इस कमांड के थ्रू बनाते हैं उसकी प्रायोरिटी वन हो जाती है, ध्यान रखना। जिसको मैंने रूट प्राइमरी बनाया है उसकी प्रायोरिटी क्या हो जाती है, वन हो जाती है अपने आप, और ये मिनिमम प्रायोरिटी होती है, ठीक है। तो जिसकी प्रायोरिटी वन होती है वो क्या बनता है, रूट बन जाता है। तो देखो इसने लर्निंग स्टार्ट कर दी और अब ये फॉरवर्डिंग कर देगा, फॉरवर्डिंग में चला गया, ठीक है। कमांड मैंने चलाई थी, कमांड के थ्रू मैंने इसको बनाया, ये प्राइमरी बन गया और ये सेकेंडरी बन जाएगा। देखो क्योंकि इसकी प्रायोरिटी 4096 है। देखो शो स्पैनिंग ट्री, स्पेलिंग गलत हो गई, अभी आएगा बाहर ये वाला। देखो सो स्पैनिंग ट्री, ये देखो ये वाला, देखो 32769 है, इसका रूट कौन है, प्राइमरी रूट वन है, वन प्रायोरिटी वाला, ये देखो उसको पता है।
कंट्रोल शिफ्ट 6 चलता ही नहीं इसमें। सो स्पैनिंग ट्री ये देखो, अब इसको सेकंड डे बना सकते हो। स्पैनिंग ट्री व्हील एंड वन, ठीक है, रूट, इसको आप सेकंड डे बना दो, तो एक प्राइमरी रूट हो गया, एक सेकेंडरी रूट हो गया, सो स्पैनिंग ट्री, ठीक है, ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी की देखो यहां पे जो प्रायोरिटी है ये 28673, ठीक है, इसने क्या किया, उस बेस स्पेस की जो प्रायोरिटी है वो कम कर दी सेकेंडरी के हिसाब से, ये प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, और ये क्या बन गया, ये कुछ नहीं बना, ठीक है, एक प्राइमरी सेकेंडरी कुछ नहीं, ये तो ब्लॉकिंग वाला है, नॉट नॉन रूट है ये, ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, ठीक है ना, तो जो मिनिमम प्रायोरिटी नंबर है वो क्या बनेगा, प्राइमरी रूट, और उसके जो नेक्स्ट मिनिमम प्रायोरिटी होगी वो बनेगा सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी, ठीक है, तो इस तरह से इसको चेंज भी तो कर सकते हैं बाद में, ये परमानेंट थोड़ी ना बना है, इसको चेंज भी कर सकते हो आप, इसको, हाँ, चेंज भी कर सकते हो, जैसे अभी चेंज किया प्रायोरिटी नंबर से हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, अब देखो इसकी प्रायोरिटी आप जो है दोबारा से भी चेंज कर सकते हो, देखो यहाँ पे आपने कहा स्पैनिंग ट्री, ठीक है, व्हील एंड वन, प्रायोरिटी, अब अगर आप देखो इस तरह से डाल देते हो तो ये लेगा नहीं, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी क्या होती है, हमेशा 4096 के इंक्रीमेंट में होगी, तो 0 4096 8192 इस तरह से चलेगी, तो मैं इसकी प्रायोरिटी कर देता हूँ, देखो मैं इसकी प्रायोरिटी कर देता हूँ 8192, ठीक है, ये हो गई, देखो 8192 हो गई, ठीक है ठीक है ठीक है, अब इस वाले के जो प्राइमरी वाला मैंने बनाया था यहाँ पे, ये देखो, अब यहाँ पे देखो अगर मैं इसकी चेंज करूंगा स्पैनिंग ट्री व्हील एंड वन प्रायोरिटी, इसकी कर देता हूँ 4096, मैं इसकी एक काम करता हूँ, इसकी और बढ़ा देता हूँ, थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ, इसकी मैं बढ़ाऊंगा, इसकी करूंगा देखो 12228 कर देना, 12228, ठीक है ठीक है सर, एक मिनट, 12288 होगा, 12288 फिर चलाएंगे सो स्पैनिंग ट्री, ये देखो, तो जैसे मैं इसकी प्रायोरिटी चेंज करूंगा यहां से ये रूट हट जाएगा, ये देखो, क्योंकि प्रायोरिटी ज्यादा हो गई है, रूट प्राइमरी बनाने के बावजूद मैंने इसकी प्रायोरिटी चेंज कर दी है, तो ये यहां से रूट ब्रिज हट गया, देखो अब फिर से टॉपोलॉजी चेंज हो गई, ये वाला देखो स्विच, फिर से देखो 8193 है, तो यही क्या बन गया, रूट बन गया, ये देखो ये रूट बन गया, तो प्राइमरी रूट बन गया अपने अभी, ठीक है, तो इस तरह से आप क्या है स्पैनिंग ट्री को मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, ठीक है,
ये चीज समझ आ गई। अब देखो हम यहाँ पे एक दूसरा प्रोटोकॉल लगाएंगे, अब देखो हमारे पास जो डिवाइसेज हैं यहाँ पे उनको कनेक्ट कर देते हैं, ये दोनों हमने कनेक्ट कर दिए। देखो पोर्ट को ऑन होने में कितना टाइम ले रहा है, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रैपिड स्पैनिंग ट्री लगाएंगे, अपडेटेड वर्जन हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे स्पैनिंग ट्री मोड परवीलियन एसटीपी पीवीएसटी, पीवीएसटी इज द डिफॉल्ट बट वी हैव टू गोइंग टू द रैपिड मोड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड पीवीएसटी चलाएंगे, स्पैनिंग ट्री मोड पीवीएसटी। सर पीवीएसटी डिफॉल्ट में होता है, परवीलियन एसटीपी होता है, ये फास्ट होता है, रैपिड पीवीएसटी ये तो हम अपने हिसाब से उसको रैपिड बना रहे हैं ना, तो पीवीएसटी तो डिफॉल्ट हुआ, पीवीएसटी तो डिफॉल्ट है लेकिन हम रैपिड मोड में चला रहे हैं उसको, तो स्पैनिंग ट्री मोड कमांड डालनी पड़ेगी, स्पैनिंग ट्री मोड पीवीएसटी। ये देखो यहाँ पे भी हमने रैपिड चला दिया, तो जितने स्विचेस होंगे वो सब पे रैपिड चलानी पड़ेगी आपको। सो ये देखो स्पैनिंग ट्री, ठीक है, अगर आप इसको समरी करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कौन सा मोड चल रहा है, पीवीएसटी मोड चल रहा है डिफॉल्ट, लेकिन अब हम इसको रैपिड मोड में डालना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड पीवीएसटी चलाओगे, तो यहाँ आपको तो स्पैनिंग ट्री समरी में दिख जाएगा कि भाई अब आपका जो है रैपिड स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड हो चुका है। एक्टिव होने के बाद अब देखो ये जो पोर्ट है आपके, जैसे आपका ये पोर्ट नंबर कौन सा है, 3 वाला पोर्ट है। अभी देखो मैं यहाँ इसको पोर्ट पे आ रहा हूँ, ये इंटरफेस 0/3 पोर्ट पे आ रहा हूँ, शट डाउन करूंगा, डाउन हो गया, नो शट करने पे ऑटोमेटिक अप होना चाहिए, अप हो गया, पर टाइम लगा रहा है अभी, देखो रेड ग्रीन अभी ये चल रहा है, इसकी स्टेट जो है ना चेक करेंगे, सो स्पैनिंग ट्री से ये देखो डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग स्टेट है, ये देखो अब चला गया डेजिग्नेटेड। अब क्या है कि ये थोड़ा सा टाइम ना ले, तो इसके लिए देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे पोर्ट फास्ट इनेबल कर देंगे, पोर्ट फास्ट से और ज्यादा फास्ट हो जाएगा, तो इंटरफेस F0/3 स्पैनिंग ट्री, ठीक है, कमांड है पोर्ट फास्ट हमेशा नॉन ट्रंकिंग स्विचेस को ही यूज करना चाहिए, अगर ट्रंकिंग स्विच में अगर पोर्ट फास्ट चलाओगे तो लूप बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये इसलिए वार्निंग देगा आपको, यहाँ पे देखो ट्रंकिंग मोड पे नहीं चलेगा, नॉन ट्रंकिंग मोड वाले स्विचेस पे इसको नहीं लगाना है, ठीक है ना। ये देखो पोर्ट फास्ट लगा दिया मैंने, अब देखना कॉन्फ्टी इंटरफेस F0/3 देखो शट किया मैंने, पोर्ट डाउन हो गया, पोर्ट डाउन हुआ, ठीक है, नो शट, देखना कितनी जल्दी अप होएगा, देखो कितनी जल्दी आ गया ग्रीन, देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड द रैपिड स्पैनिंग ट्री। रैपिड स्पैनिंग ट्री चेंजेस फ्रॉम ब्लॉकिंग टू फॉरवर्डिंग, उसमें लिसनिंग लर्निंग नहीं होती, डायरेक्ट फॉरवर्डिंग हो जाती है, 15 सेकंड का टाइम लगता है, टाइम कम नहीं लगता, 15 सेकंड में लेगा, अब 2 सेकंड का टाइम लेगा सर, ठीक है ना, ठीक है। तो पोर्ट फास्ट चलाने का ये फायदा होता है, यानी पोर्ट डायरेक्टली अप आ जाएगा, ये देखो अब ये वाला पोर्ट है, इस पे पोर्ट फास्ट नहीं चला है, तो अब देखना
ये वाला पोर्ट कैसे ऑन होगा, देखो ये पोर्ट है 0/3, अभी इसमें पोर्ट फास्ट नहीं चलाया, अभी देखो इंटरफेस F0/3 शट डाउन हो गया, शट। अभी देखो आया नहीं अभी तक, रेडी है लेकिन अब पोर्ट फास्ट चलाऊंगा फिर देखना, अब आया देखो, लेकिन अब पोर्ट फास्ट चलाऊंगा देखो। हाँ तो इस पे देखो स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट चला दिया, अब देखो शट डाउन नो शट, अब देखो कितनी जल्दी आप हो गए, समझ रहे हैं? तो पोर्ट फास्ट जो कमांड है वो रैपिड स्पैनिंग ट्री के अंदर आती है कमांड, लेकिन आपको पहले रैपिड स्पैनिंग ट्री ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद पोर्ट फास्ट कमांड चलाने का। But is it? It is only used for the non-trunking ports. The non-trunking port है, सिर्फ उन्हीं पे ये काम करता है। Trunking port पे आप इसे करोगे तो loop बनना start हो जाएगा। ठीक है? बात समझ आई? तो ये port fast इस तरह से आप इस पे apply कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि भाई ये देखो यहाँ पे ब्लॉकिंग मोड है, ठीक है, अगर यहाँ पे BPDU आता है कोई, मान के चलते हैं मैंने इसकी प्रायोरिटी चेंज करी, ठीक है, तो BPDU यहाँ से यहाँ जाएगा और इसकी स्टेट को चेंज करेगा, तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई अगर कोई स्विचेस है, ठीक है, अगर वो क्या कर रहा है, टॉपोलॉजी चेंज कर रहा है, तो आप क्या है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो BPDU गार्ड से, तो इन पे आप BPDU गार्ड लगाओगे F0/1, 0/2 पे, ठीक है, तो BPDU गार्ड आने के बाद भी अपनी टॉपोलॉजी चेंज नहीं करेगा, तो इसको प्रोटेक्ट करेगा F0/1 जो पोर्ट है आपका, इंटरफेस F0/1 गार्ड मैंने इस पे लगा दिया, अगर BPDU इस पोर्ट पे आते हैं तो ये पोर्ट को एरर डिसेबल मोड में डाल देंगे, एरर डिसेबल मोड। हाँ, अगर BPDU गार्ड आएगा, BPDU अगर आएगा इस पोर्ट पे तो उस पोर्ट को क्या कर देगा, एरर डिसेबल मोड में डाल देगा। F0/1 पे लगा दिया, F0/2 पे भी लगा देता हूं, इंटरफेस F0/1